चंद हमारे पास आए थे, बेचारे गाजीपुर हमारे शहर से बहुत दूर पड़ता है, वहाँ से आए थे और डरी हुई कंडीशन में, ठीक है, किडनी में स्टोन था। कितने कितने कितनी बड़ी बड़ी थी बेटा? 3 से 4 mm की, ठीक है, और कई थी, ठीक है। और इतना ही नहीं, इनकी मम्मी को भी था, जिसके लिए एक स्टोन की सर्जरी भी करवा ली उन्हें। अरे भाई, सो कॉल्ड यूरोलॉजिस्ट साहब, जब आप एक स्टोन निकाल लें तो सब निकाल देना चाहिए था, फिर एक स्टोन निकाल दिया, बाकी को आपने छोड़ क्यों दिया? खैर, कोई मजबूरी रही होगी, दैट्स व्हाई ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो इनके मदर को भी स्टोन था, इनको भी स्टोन था, और जितेंद्र को टेस्टिकुलर पेन भी होता था, ठीक है। इस बार की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गई। छोटी पथरियाँ तो ऐसे भी निकल जाती। खैर, जितेंद्र डरे हुए थे इसलिए थोड़ी सी दवा भी दे दी हमने। जितेंद्र से पहले इनके बारे में पूछें तो मम्मी के बारे में पूछेंगे। जितेंद्र, कब से स्टोन हो रहा था बेटा आपको? सर, मुझे कम से कम 2021 से ही, कोरोना से पहले से था मेरे, तो मैं एक बार दवा कराया तो सही हो गया, दोबारा उसी में दवा कराने के गए तो उसमें चलाए 5-6 महीने तो नहीं सही हुआ, दर्द था। तो आपका यूट्यूब पे देखे वीडियो, इसी तरह सर्च करते करते तो आपका आ गया, तो फिर आप ही से ऑनलाइन किए थे। अब ध्यान रखिएगा, जो जितेंद्र के साथ दिक्कत थी उसको, जितेंद्र को हम इस बार लास्ट दवा देके बंद कर रहे हैं, लेकिन जितेंद्र को कुछ हमने प्रिकॉशन बताए हैं, उस प्रिकॉशन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जो लास्ट टाइम में स्टोन निकालने के लिए मैंने प्रिकॉशन बताया, वो तो जितेंद्र ने स्ट्रिक्टली फॉलो किया। होता क्या, जिसमें बार बार किडनी स्टोन होता है, उसमें लास्ट टाइम भी हम अपने वीडियो में बताते रहते हैं, उनमें एक फॉल्टी मैकेनिज्म बॉडी में डेवलप हो जाती है, सो दैट्स वाई यूरिन कंसनट्रेट होनी शुरू होती है। हमने अभी जितेंद्र की स्टोन निकाल दी, इसका कहीं मतलब नहीं कि जितेंद्र को दोबारा स्टोन बनने के चांसेस नहीं है। बस जितेंद्र से हमें इतना बोलना है कि बेटा 4 लीटर वाटर की इनटेक, 1-2 लेमन ये लेते रहना, और वाटर की इनटेक कम नहीं करना। बाकी हमने खाने के सारे प्रिकॉशन इस मेडिसिन के बाद से, सारे जितने प्रिकॉशन थे सब कुछ हमने हटा दिए, सब कुछ खाओ। खाने के प्रिकॉशन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि खाने में कोई भी, ऊपर वाले ने जो चीज़ें बनाई हैं वो बुरी नहीं होती हैं, कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है। फ़र्क केवल इतना पड़ता है कि क्वांटिटी कितनी है। यदि आप एक नॉर्मल क्वांटिटी में फ़ूड कंज्यूम करते हैं तो नो डाउट वो आपको दिक्कत नहीं देगा, लेकिन यदि नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा है, अति कर देते हैं, एक्सेस कर देते हैं, तो श्योरली दिक्कत है। कभी कभी मान लीजिए खाने में आपसे गड़बड़ी हो गई, कोई बात नहीं, कभी कभी होना लाजमी सी बात है, लेकिन उसके साथ जो प्रिकॉशन है वो तो मत छोड़िए। 4 लीटर वाटर का इंटेक और 1-2 नींबू, हो गया काम। नहीं कुछ मिला, तुलसी का पत्ता चबा लीजिए भाई, 10-15 तुलसी का पत्ता सवेरे चबाने की आदत डालिए। सारे स्टोन वाले मरीजों से मैं बोलता हूँ कि भाई दवा बंद हो गई, दोबारा चाहते हैं ना, नहीं हो, तुलसी का पत्ता चबाइए, बहुत अच्छी आयुर्वेदिक कंटेंट वाली मेडिसिन है, उससे हम लोग की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा होती है। 40 नींबू पिए हैं सर। अब बताइए, इन्होंने 40 नींबू पी लिया। तो ज़्यादातर लोग, कई लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, कई लोगों की पथरियाँ नहीं भी गायब होती हैं, क्यों? क्योंकि भाई डॉक्टर ने बता तो दिया, आप फॉलो करिए, अब आप नहीं कर रहे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। सो दैट्स वाई, यदि वास्तव में आप चाहते हैं सर्जरी से बचना और स्टोन को बहुत ईजिली निकालना, तो बस वही काम करना पड़ेगा जो जितेंद्र ने किया। अब जितेंद्र की मम्मी को बुलाते हैं। भाई आइए भैया, आप जितेंद्र की मम्मी हैं सरस्वती जी, ठीक है। लास्ट टाइम में इनकी सीटी स्कैन की रिपोर्ट ये थी, दिसन 56 भर स्टोन पाली थी, ठीक है, सुनते जाइए आप लोग। मल्टीपल स्टोन एटलीस्ट 4 से 5, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कैलकुलाई, अपर मिड एंड लोअर पोल ऑफ द कैलिक्स, यानी कि ये तो हो गई किडनी में। लार्जेस्ट मेजरिंग 5 mm एट द अपर पोल, जिसका HU इंडेक्स 700 था। 2 ऑब्स्ट्रक्टिव कैलकुलस थी, ऑब्स्ट्रक्टिव कैलकुलस जो थी वो थी लेफ्ट प्रॉक्सिमल यूरेटर में, ठीक है, 3 से 4 cm पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन के ऊपर, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्टिव कैलकुलस मतलब ये स्टोन जो थी वो यूरिन के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी, इसीलिए जो सिम्टम आ रहे थे लास्ट टाइम पेन के, वो इसी वजह से आ रहे थे। उसके अलावा एक और स्टोन 3 से 4 mm का था पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन पे, जिसका HU इंडेक्स 200 के आसपास था। मल्टीपल 6 से 7 स्टोन इनकी थी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, यानी कि उसकी वजह से पेन नहीं हो रहा था, अपर मिड एंड लोअर पोल ऑफ द कैलिक्स, यानी ये किडनी में सारी जमा हुई थी। लार्जेस्ट जो थी वो 10 mm की थी, ठीक है, लोअर पोल पे, ठीक, और उसके अलावा एक स्टोन नीचे भी थी। इसके लिए इन्होंने एक सर्जरी भी करवाई। कब सर्जरी करवाई थी भाई आपने? 2 महीने पहले। अब सोचिए, 1 महीने पहले इन्होंने सर्जरी करवाई, बड़ी वाली स्टोन जो ऑब्स्ट्रक्टिव कैलकुलस थी उसको निकाल दिया गया था, उसके बाद फिर बननी शुरू हो गई। तो क्या आप चाहते हैं बार बार ऑपरेशन करवाना? क्या आप चाहते हैं कि बार बार इसी तरह पथरी बने? जिन लोगों में बार बार पथरी बनती है उनकी किडनी डैमेज भी होती है। सो दैट्स वाई यदि आप चाहते हैं, और ये तो तब की रिपोर्ट थी, आज की रिपोर्ट हम आपको बताएं भाई। आज की रिपोर्ट की फाइंडिंग इनकी ये रही है, इसमें 3.9 mm की राइट कैलिक्स में सिंगल स्टोन है अपर पोल में, सारी गायब होगी, बस इज द फाइंडिंग, ठीक है।
और इसके अलावा लेफ्ट किडनी में 3 स्टोन केवल बची हैं, 7.1, 4.7 एंड 3.9 mm, और वो भी लोअर कैलिक्स में है, मतलब निकलने के लिए तैयार हैं। सारी जितने भी आपके यूरेटर में थी वो सब वॉश आउट हो गई, ठीक है। इन्होंने भी नींबू पानी पिया होगा, क्यों भाई कितना नींबू पानी पिया आपने? नींबू पानी तो ना उतना पी नहीं पानी, और पानी कितना पानी पी? सर हर एक गिलास लेकर आए हैं। आप सभी जब बोलते हैं हम कि हर एक घंटे पे पानी पीजिए आधा घंटा, तो भाई कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते, इन्होंने माना। हर घंटे पे दवाई खाते हैं, हर घंटे पे इन्होंने दवाई खाई पानी पीते हैं और एक गिलास पानी पीते हैं, ठीक है भैया। पानी फ्री का है, हवा फ्री की है, तो जो चीज़ें फ्री की है वो तो ली जा सकती हैं। हवा की वैल्यू तब दुनिया को समझ में आई जब कोरोना ने आतंक मचाया, तब समझ में आया ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट हो गया, मिल तो रहा फ्री में आपको। तो जो चीज़ें फ्री में मिल सकती हैं, जो रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के लिए, वो लीजिए, ठीक है। उसकी लिमिटेशन ऐसी नहीं है, जितनी लिमिटेड अमाउंट वो तो लीजिए। आज की डेट में स्टोन के केसेस ज़्यादातर इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हर आदमी का डाइटरी जो हैबिट है वो गड़बड़ हो गया है। एक आदमी की जो साल्ट की इंटेक है 6 ग्राम के आसपास होती है और हर एक आदमी 20 ग्राम प्लस ले रहा है। भाई जीभ है ना टंग, तो टंग के टेस्ट के लिए कुछ तो करते हैं लोग, और कुछ नहीं आजकल ज़्यादा करते हैं। फास्ट फूड जंक फूड का ज़माना है, खूब खाओ, ठीक है। अब देखिए कितनी अजीब विडंबना है कि पहले गांव का आदमी कम बीमार होता था, अब गांव का आदमी भी बीमार होने लगा। क्यों? क्योंकि शहर का जो मॉडर्न लाइफ है गाँव को भी इन्फिल्ट्रेट कर दिया। पहले गाँव का आदमी बेचारा वहीं लोकलाइज रहता था, वहीं का शुद्ध हवा पानी था सब कुछ लेता था, अब शहर की चीज़ें गांव में जाने लगी हैं तो लाइफस्टाइल भी चेंज होने लगी है। सो दैट्स वाई आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ द जो इलनेस है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। स्टोन को भी हम उसी में मानते हैं, क्यों? क्योंकि यदि आपकी लाइफस्टाइल ठीक रहे तो फिर आपको नहीं होगा स्टोन। आप नेचुरल लाइफस्टाइल को फॉलो करिए ना, साल्ट के इंटेक को कम करते हुए बाकी फूड का कंजम्पशन जारी रखिए। उम्मीद करते हैं कि इनकी भी दवा 1 से 2 महीने के अंदर हम बंद कर देंगे और ये भी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। सर्जरी किडनी स्टोन का लास्ट ऑप्शन नहीं है, बार बार होता है, यदि खास करके लेथमिक डायस्थेसिस है तो। इसलिए ज़रूरी है लाइफस्टाइल को सही करिए और हमेशा के लिए ठीक बनाए रखिए, ठीक है। इस बार मैं जितेंद्र की लास्ट दवा दे रहा हूँ, उनकी मम्मी की मान के चलते सेकेंड लास्ट, 1-2 बार और देखे बंद कर देंगे। थैंक यू। होम्योपैथी इतनी ही तेज़ काम करती है, फ़र्क ये पड़ता है कि आप जो समझते हैं होम्योपैथी, आजकल की डेट में आज सुबह एक पेशेंट को मैंने देखा बर्बेरिस वल्गेरिस क्यू 7 साल से पी रहे हैं और स्टोन की साइज उनकी 3 mm से शुरू हुई, आज की डेट में 11 स्टोन लेफ्ट में है और 11 स्टोन राइट में है सीटी में, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में 3 ही 4 आती थी, ठीक है। और क्यों पिए जा रहे हैं वो, ठीक। तो खैर जो लोग दवा ले रहे हो कहीं से भी वो प्रिकॉशन वाले वीडियो देखें, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। प्रिकॉशन करिए भाई, बिना प्रिकॉशन के नहीं निकलेगा। और 5 mm से बड़े स्टोन में तो खुद हाथ ना लगाइए, क्योंकि हर बार मैं ये बात बोलता हूँ कि दिन में 1 से 2 मरीज डेली आ रहे हैं जिनकी किडनी डैमेज हो चुकी रह रही है सेल्फ मेडिकेशन की वजह से या गलत ट्रीटमेंट। जो एलोपैथिक डॉक्टर बोलते हैं गलत नहीं बोलते हैं कि भाई किडनी स्टोन 5 mm से बड़ा हो गया तो वो खतरे वाली बात है। 3 mm की स्टोन पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन पे फंसे हुए मैंने देखा है और उसकी वजह से आदमी को तड़पते हुए देखा है, परेशान होते देखा है। सो दैट्स वाई एक इतनी छोटी सी स्टोन जो आपकी इतनी बड़ी बॉडी में नेग्लेजिबल है ये भी आपको परेशान कर सकती है। 3 mm की स्टोन के लिए कुछ ना करिए, किसी डॉक्टर के पास मत जाइए। आप केवल 6 लीटर पानी पीजिए, नींबू पानी लीजिए, डाइट के प्रिकॉशन में प्रोटीन और साल्ट किंटे को कम कर लीजिए और 20-25 पत्ते आप तुलसी का चबा लीजिए। 2 से 3 mm की है, कोई ज़रूरत नहीं किसी दवा की। और यदि उससे बड़ी है 5 mm से बड़ी तो कोई ज़रूरत नहीं हमारे पास आने की, किसी अच्छे अगल बगल के अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को, और वो झुआ भर दवा देने वाली नहीं। अच्छे डॉक्टर को पकड़िए जिसकी अप्रोच अच्छी हो, वो ठीक कर देगा आपको। और नहीं तो बड़ी पथरी हो तो श्योरली यू कैन कंसल्ट मी ऑनलाइन और ऑफलाइन। थैंक यू। होम्योपैथिक इलाज किडनी स्टोन के लिए सबसे अच्छा है। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, मेरा नाम है होम्योपैथिक।